दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूँ, वो सिर्फ भाषा में बात करें, राहुल गांधी अमित शाह आप वो भाग नहीं रहा है। अमित शाह के लिए ऐसी टिप्पणी मत करिए, अमित शाह के लिए टिप्पणी ठीक है सर, वो मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला, मैं पैतरे बाद क्या सारी बोल रहे चैनल तुम्हारे हिंदू भाइयों का कुछ नहीं होता है, इतनी बोलने की हिम्मत होती है और यहाँ बैठ के आचार्य। आज की वीडियो में बात भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की करते हैं। संबित अक्सर मीडिया के डिबेट्स में विपक्षी प्रवक्ताओं पर हावी हो जाते हैं, पर अब विपक्षी प्रवक्ता भी पलटकर जवाब देने लगे हैं। इंडिया टीवी पर एक डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने किसी विषय पर संबित से जवाब मांगा, जिस पर संबित जैसे ही कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने लगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने संबित को घेर लिया। राहुल गांधी बीमारी यही है, इनसे कुछ पूछो राहुल गांधी, अरे आ जाइए हमारी पार्टी में साहब, इतने ही अच्छे हम। राहुल गांधी का नाम का पूरा कैबिनेट राहुल गांधी का ही तो नाम ले रहा है, भगवान है वो सर राहुल गांधी। अच्छा हुआ मान गए सर, मैं मानता हूँ कि राहुल आयत दुरुस्त आयत, नहीं मैं मानता हूँ राहुल गांधी इज एन एसेट, वो एसेट है इसमें कोई दो मत नहीं, मोदी जी लायबिलिटी है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ गोद लिया गांव गोद में रह गया, वो बड़ा नहीं हुआ भाग नहीं रहा, गांव को तो छोड़िए एक ऐसा अध्यक्ष भी है जो गोद में ही रह गया है, वो बड़ा नहीं हुआ है वो भाग नहीं रहा है। अमित शाह के लिए ऐसी टिप्पणी मत करिए, अमित शाह के लिए टिप्पणी ठीक है सर, वो मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला, मैं कर दूंगा। देखिए मैंने तो नहीं, किसी नहीं, वो हमारे आदरणीय नेता है अमित शाह जी, हाँ, कैसे बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए, बहुत गलत बात है, आप पहले माफी मांगिए अमित शाह जी, अभी माफी मांगता हूं। देखिए मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मिर्ची क्यों लग गई। न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री के भाषण पर डिबेट में संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे, तो अपने जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता ने संबित को सुना दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार देश में मीडिया के एक वर्ग का भी नाम लिया है, वो मीडिया का कौन सा वर्ग है प्रधानमंत्री बताएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूँ, वो भाषा में बात करें राहुल गांधी की, अमित शाह आप देश के नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है राहुल गांधी के नाम से, आप भी एक्सेप्ट करते हैं ऑन एयर करेंगे, मैं इसको अरे आप माफी मांगिए, नहीं नहीं अमित शाह ये बहुत गलत है, आप गटर पात्रा नहीं बैठ सकते हैं। नहीं देखिए मुकेश जी, आप भी एक पार्टी के सम्मानित नेता है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूलिंग पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि किसी को इन उपनामों से बुलाना गटर पात्रा ये शोभा आपको भी नहीं देता, भाषा की मर्यादा को बनाए रखे, अपनी बात को रखे मुकेश जी। बच्चा आपके बारे में जानता है, आप समीर से बात करना सीखिए, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप अमित जैसे आपको न्यूज 18 पर एक डिबेट में निशांत वर्मा और संबित पात्रा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। निशांत वर्मा ने भाजपा के एक बयान पर आपत्ति जताई, जिस पर संबित बात को गोल गोल घुमा गए। यहाँ तो एक सिस्टम था, इन्होंने मोदी जी को बुचर ऑफ गुजरात कहा, इस व्यक्ति ने भी कहा जो बैठा हुआ है कि हत्यारे हैं मोदी जी, ये गुजरात आप ये कंडेम करते हैं, ये क्या नौटंकी है, क्यों नौटंकी है भैया, आप ये कंडेम करते हैं, नौटंकी ये भारतीय जनता पार्टी है, रोज नौटंकी कहां से लेकर के लाते हो, जो प्रधानमंत्री जीवित नहीं है उसके बारे में लिखना और उनको कहना ये आप एक्सेप्ट करते हैं, भाजपा एक्सेप्ट करती है, कार्टून को बना दिया, कार्टून ने सरकार बना रखी है यहाँ पे, नहीं कार्टून नहीं आप बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को कार्टून नहीं बोला जाएगा, नहीं करेंगे आप, बिल्कुल दूर रहेंगे, ये मत करिए, सिक्योरिटी बुलाया जाए, ये पास नहीं आ सकते, नहीं प्लीज, देश हमारा, नहीं ये मारने पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं सिक्योरिटी बुलाइए, सिक्योरिटी बुलाइए, ऐसा नहीं होता है, देश हमारा है, डिबेट में नहीं जा सकते, डिबेट इंडिया टीवी पर एक डिबेट में मसूद हाशमी ने भाजपा को लेकर टिप्पणी की, जिस पर संबित पात्रा ने उन पर तंज कसना शुरू किया, इसके बाद दोनों के बीच तिखी बहस देखने को मिली। जिन्हें नमाज का शायद वक्त नहीं मिलता होगा, मस्जिद वहां से शायद दूर हो, तो उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया होगा कि जी हमें नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो अगर यहाँ पर नमाज के लिए कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए, वो मुझे, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। लेकिन जो अभी हमारे संदित पैंतरा जी, चूंकि ये जब भी बात करते हैं तो संदित बात करते हैं और पैंतरेबाजी की बात करते हैं, तो हमारे संदित पैंतरा जी जो बात कह रहे थे, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि नमाज के लिए वक्त मुकर्रर होता है। वाह, अरे भैया बात सुन लो, हिंदू भाइयों का कुछ नहीं होता है मेरे भाई, हम नहीं बोले थे, जमीन भी हमारी नहीं है, हम तो पैतरे बाज हैं, क्या सारी बोल रहे चैनल तुम्हारे, हिंदू भाइयों का कुछ नहीं होता है,
इतनी बोलने की हिम्मत होती है और यहाँ बैठ के आचार्य जी मुस्कुरा भी रहे हैं। तालिबानी जी, और जब हम बैठ जाओ तालिबानी, पहले ये सुनो, आतंकवादी से हमको ये हिंदू धर्म के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जिस प्रकार, सुनो सुनो, आप सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा, क्यों सुनना पड़ेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया की बहस जनता से जुड़े मुद्दों पर हो और देश की असल सच्चाई को दर्शाती हो, और इन्हीं मुद्दों पर भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल भी होते दिखाई दें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।